हे गाइस, बेटो आर्मी हियर। गाइस, मेरी करंट रैंकिंग ग्रैंड मास्टर में रीजन में टॉप 15 है एंड मेरा स्कोर ग्रैंड मास्टर पे 60,000 हो चुका है। एंड गाइस, आज की वीडियो में मैं सोलो रैंक पुश के एक और नए एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। इसीलिए गाइस, अगर आप लोग भी सोलो में ही रैंक पुश करना चाहते हो तो फिर ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड वैसे भी गाइस, कल 10 MB का एक पैच अपडेट आया है, उसके बाद तो रैंक पुश करना बिल्कुल ही आसान हो चुका है। इसीलिए गाइस, अगर आप लोग भी प्लेटिनम या फिर डायमंड पे फंसे हुए हो तो घबराने की कोई बात नहीं। मैं जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, अगर आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए तो आप लोग भी सोलो में इजीली रैंक पुश कर लोगे। तो सबसे पहले तो गाइज, मैं आपको कैरेक्टर स्किल्स बता दूं। तो गाइज, कल मैंने कैरेक्टर स्किल्स में कपेला बताया था, तो आज कपेला को आपको नहीं लेना है। एंड आज आपको वैक्सीम, फॉर्ड एंड नोटोरा रखना है। एंड एक्टिव स्किल में आपको केक कैरेक्टर लेना है। एंड देन फिर आपको पेट में ओटेरो पेट लेने के बाद गेम को स्टार्ट कर देना है गाइज। एंड जैसे ही गेम स्टार्ट होगा उसके बाद आप लोग लॉबी में आ जाओगे। एंड ये तो अभी अच्छी बात है कि अगर आप डायमंड 4 या फिर हीरोइक पे हो तो लॉबी हार्ड ही होगी। तो गाइज, लॉबी में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस प्लेन में आने का इंतजार करना है। एंड उसके बाद गाइज, हम लोग फाइनली प्लेन में आ जाते हैं। एंड जैसे ही गाइज प्लेन में आओगे ना, उसके बाद आपको अगर पुराना वाला मैप है बरमूडा, देन आपको एक ही प्लेस खोजना है मैप में कि प्लांटेशन कहाँ पे। एंड जहाँ पे ही प्लांटेशन दिखेगा आपको वहाँ पे लैंड कर जाना है। बट फाइनली प्लांटेशन प्लेन से थोड़ा दूर रहता है, तो मैं नीचे लैंड करने के बाद गाड़ी लेता हूँ एंड गाड़ी से डायरेक्टली प्लांटेशन जाता हूँ। एंड गाइज, प्लांटेशन आप जैसे पहुंचते हो ना, तो यहाँ पे 2 L-shaped होता है एंड एक छोटा वाला घर होता है, आपको सिर्फ यही दोनों घरों को लूटना है। एंड फाइनली गाइज, जब आप ये दोनों घरों को लूट लेते हो देन उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक लॉन्च पैड दिखेगा। आपको इस लॉन्च पैड को उसी डायरेक्शन में सेट करना है जिस डायरेक्शन में मैं सेट कर रहा हूँ। एंड डायरेक्टली आपको भी मेरी तरह ब्रिज पे लैंड कर जाना है, बिकॉज इस ब्रिज पे फायदा ये होगा गाइज कि आपको बंदा तो एक भी नहीं मिलेगा बट यहाँ पे लूट भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। एंड गाइज, उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, इस ब्रिज में नीचे की तरफ जाना है। एंड ये ब्रिज जितना लंबा है ना, इतना लंबा यहाँ पे आपको एक वेस्ट अपग्रेडर भी दिख जाएगा, आप वेस्ट भी अपग्रेड कर लेना। एंड उसके बाद आपको डायरेक्टली नीचे की साइड आना है। एंड उसके बाद गाइज, यहाँ पे आपको तब तक होल्ड करना है जब तक कि जोन श्रिंक ना करने लगे। हाँ गाइज, ये तो फाइनली मेरे को पता है कि जोन बहुत दूर बना जैसा कि आप देख लो, बट उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना क्योंकि मैंने आपको कैरेक्टर्स लेवा रखा है, एक तो नोटोरा एंड दूसरा के कैरेक्टर। एंड फाइनली देख लो गाइज कि जोन उतना दूर जा चुका है, अब जोन श्रिंक भी करने लगा। देन अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है शिपयार्ड की साइड। एंड शिपयार्ड में जाने के बाद अब आपको लूट करना है क्योंकि आपकी HP तो छोड़ो, एक EP भी नहीं घट रही होगी। एंड फाइनली गाइज, ये जो गाड़ी दिख रहा है आपको, ये गाड़ी शिपयार्ड में रहती ही रहती है। एंड इस गाड़ी का फायदा आपका नोटोरा कैरेक्टर से काम होगा। तो उसके बाद करना कुछ नहीं गाइज, जैसे देख लो कि फाइनली मेरे पास लूट तो हो चुका था बट टोकन वगैरह नहीं थे तो मैं लूट कर रहा था। एंड आपको भी यहाँ पे आराम से लूट करना है, बिकॉज गाइज आपको फायदा ये होगा कि आपकी HP तो छोड़ो, एक EP भी नहीं घट रही। एंड ये फर्स्ट जोन है, उसके बाद सेकंड जोन रुकेगा, उस जोन में भी आप इजीली लूट कर सकते हो। एंड एक्चुअली गाइज, आज भी आप जोन सर्वाइव कर रहे हो तो आपको लूट के टाइम पे मेडिकेट एंड इनहेलर पे ज्यादा फोकस करना है। एंड फाइनली गाइज, जैसे ही मेरी लूट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ एंड सबसे पहले तो M4A1 को मैक्स करता हूँ। बट गाइज, एक दुख की बात यह है कि मैंने आपको मेडिकेट एंड इनहेलर पे फोकस करने कहा था, बट यहाँ पे मेरे पास ही ओनली 4 मेडिकेट एंड 2 इनहेलर है। एंड ये आपके साथ भी हो सकता है, डोंट वरी। एंड अब गाइज, सेकंड जोन रुक चुका है, मतलब आपकी अब एक एक करके HP घट रही है। अभी भी चाहो तो आप लूट कर सकते हो। एंड अगर आपकी लूट कंप्लीट हो जाए देन आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये गाड़ी का काम आपका आने वाला है, तो आपको इस गाड़ी के पास आना है एंड नॉर्मली आराम से गाड़ी के अंदर बैठ जाना है। एक्चुअली पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपको गाड़ी से मशरूम खोजना है, बट यहाँ कुछ नहीं करना है गाइज क्योंकि आपके पास नोटोरा कैरेक्टर है एंड ये आपकी HP जो भी घटी हुई रहेगी उसको भी ये ऑटोमेटिकली फुल करते चला जाएगा। एंड गाइज, आपकी जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि आप ये सारे कैरेक्टर स्किल्स लगा करके आप जोन के बाहर, आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप टॉप 15 करना चाहते हो, टॉप 20 करना चाहते हो या फिर टॉप 10 तक करना चाहते हो। एंड जिस पोजीशन पे गाइज आपको अपना गेम सिक्योर लगे, जैसे कि टॉप 5 या फिर टॉप 10 पे, देन उसके बाद आपको जाना क्या है, जोन के अंदर जाकर के नॉर्मली इजिली किल कर लेना, जिससे कि आपका डैमेज भी हो जाएगा। तो फाइनली आपको करना क्या है, गाड़ी को आपको मशरूम के पास ले जाना है एंड चुपचाप वहाँ पे बैठे रहना है जो जोन के बाहर हो। हाँ गाइज, एंड उसके बाद सेकंड जोन भी देख लो कि फाइनली श्रिंक करने लगा है, तो उसके बाद जैसे ही ये जोन रुकेगा एंड देन उसके बाद गाइज आपकी HP थोड़ी ज्यादा ज्यादा करके काटी जाएगी। एंड फाइनली गाइज, मैं मशरूम के पास आ चुका हूँ, बट गाइज ये मशरूम देख लो कि 100 EP का है एंड इसको यूज कैसे करना है तो मैं बता रहा हूँ गाइज। जैसे ये जोन रुकेगा उसके बाद आपकी HP ज्यादा ज्यादा करके काटेगी। फाइनली देख लो गाइज कि अब थर्ड जोन स्टार्ट होने वाला, मतलब ये सेकंड जोन जैसे ही पूरा श्रिंक करेगा एंड आपकी HP जैसे ही ज्यादा घटने लगेगी देन उसके बाद आपको करना कुछ नहीं गाइज, गाड़ी से गेट आउट होना है। एंड गेट आउट होने के बाद गाइज आपको करना कुछ नहीं, HP मोड को ऑन करना है एंड आपकी जो EP होगी वो ऑटोमेटिक 5-5 करके घटते चली जाएगी। तो देखो गाइज, जैसे ये गाड़ी रुक गया, मतलब जोन रुक गया एंड अब मैं क्या करूंगा, गाड़ी से गेट ऑफ होऊंगा एंड गेट ऑफ होने के बाद गाइज फिर से गाड़ी के अंदर बैठ जाऊंगा। एंड देखो गाइज, अब जो आपकी EP घट रही है ना, तो टोटल EP 250 होती है एंड ये जो मशरूम खाओगे तो 100 मिलेगा। बात 150 जैसे EP आएगी उसके बाद आपको HP मोड को फिर से EP मोड में ऑन कर देना है। अब देखो गाइज, यहाँ पे फायदा ये हुआ कि मैंने एक भी मेडिकेट या फिर
इनहेलर यूज नहीं किया, मेरी टोटल की टोटल ईपी भी हो गई एंड टोटल की टोटल एचपी भी हो गई, मतलब पूरा हेल्थ भी फुल हो गया गाइज। एंड फाइनली देखो कि मैं फिर से एचपी मोड ऑन कर दिया एंड अब ईपी घट रही है। तो आप ना गाइज जब भी जोन के बाहर सर्वाइव करते हो देन आपको के करेक्टर बहुत अच्छे तरीके से यूज करने आना चाहिए। एंड फाइनली देख लो गाइज की इस गाड़ी को लेकर मैं कितने लंबे दूर से जाऊंगा। पहली बात तो ये है कि मैं अभी तो जोन में जाऊंगा ही नहीं, एंड पीछे भी मेरे को यहाँ पे मशरूम दिख गया था तो मैं मशरूम को खा लेता हूँ। एंड अभी भी पोजीशन गाइज टॉप 13 है, तो मेरे को तो टॉप 8 पोजीशन ज्यादा सिक्योर लगता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि जब तक टॉप 8 ना हो तब तक तो मैं जोन के बाहर ही सर्वाइव करूँ, चाहे वो जोन कितना भी छोटा हो जाए। मेडिकेट देख लो भाई मेरे पास 4 ही है बट मैंने अभी तक एक भी यूज नहीं किया है। एंड फाइनली गाइज आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट आ रहा होगा कि अगर आपकी टोटल ईपी खत्म हो जाएगी, जैसे देख लो मेरी खत्म होने वाली, फिर आप ईपी कहाँ से लाओगे? तो गाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप ओटेरो पेट लेते हो देन उसके बाद अगर आप मेडिकेट यूज करोगे देन आपकी ईपी भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जैसे फाइनली देख लो गाइज कि अब ये जोन भी रुकने वाला, मतलब इतने छोटे जोन तक गाइज मैंने एक भी मेडिकेट यूज नहीं किया, फाइनली बस मशरूम खा रहा हूँ। तो आपको भी गाइज कुछ इसी तरीके से सर्वाइव करना है। एंड फाइनली देख लो गाइज कि 0 मेडिकेट यूज के मैंने इतने जोन तक सर्वाइव किया था बट अब जोन रुक चुका है, तो फाइनली मैं क्या करता हूँ 2 मेडिकेट यूज करता हूँ, पोजीशन मेरा टॉप 8 हो चुका है। तो अब मैं जोन के अंदर चला जाता हूँ। मतलब इतना तो गाइज आप कंफर्म हो ही गए होंगे कि इतने छोटे से जोन तक आप जोन के बाहर सर्वाइव कर सकते हो, वो भी सिर्फ 2 मेडिकेट यूज किया, मतलब समझ रहे हो ना गाइज, सिर्फ 2 मेडिकेट के बदौलत। एंड फाइनली गाइज आपका पोजीशन टॉप 7 टॉप 10 जिस पोजीशन में आप जोन के अंदर आओगे उसके बाद तो गाइज ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना किल कर पाते हो एंड कैसे डैमेज निकाल पाते हो, क्योंकि गाइज मेरा काम था सर्वाइव कराना एंड पोजीशन को टॉप 6 से टॉप 7 लाना, वो मैंने कर दिया। एंड इतना तो गेम प्ले गाइज आपका होगा है कि आप इजीली लास्ट के टाइम पे तो एकाध बंदे को तो मार ही दोगे जिससे कि आपका फुल प्लस मिल जाएगा। एंड फाइनली गाइज क्या होता है ना कि यहाँ पे मेरे को एक बंदा डैमेज देता है, लिटरली मेरा ना बंदा के ऊपर एम नहीं जा रहा होता है। खैर एंड तो गाइज वो डैमेज वगैरह किल आप लोग अपना निकाल लेना। तो आई होप कि गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। बाय।